अभी ले के अंदर ले में हम रुके हुए हैं जीमी गेस्ट हाउस। एक डिसेंट अकोमोडेशन का ऑप्शन है ले के अंदर एंड जो रेंट है वो अराउंड 1000 to 1500 के बीच में होगा। और अच्छी बात यह है कि जो मेन मार्केट है उसी के पास में सिचुएटेड है, सो यू कैन गो फॉर जिमीज गेस्ट हाउस इफ़ यू आर कमिंग टू ले। ले में ऑलमोस्ट काफ़ी सारी दुकानें चेक करने के बाद में हमें पता चला कि बाइक अवेलेबिलिटी एक इशू है अभी, तो मैं ये कहूँगा अगर अभी आप आ रहे हैं तो बाइक अगर बुकिंग है वो पहले ही करना बेटर रहेगा आपके लिए। तो वही जो लास्ट का हमारा एक प्रॉब्लम था बाइक का, वो भी अभी सॉल्व हो गया है। ले मार्केट से आते टाइम पे रास्ते में हमें एक शॉप मिली बाइक रेंटल का, और किस्मत से वहाँ पे एक हमको बुलेट 350 अवेलेबल हो पाई। बाइक का कंडीशन एकदम ठीक था तो हमने उसी टाइम उसको बुक करना ठीक समझा, और 1400 पर डे के हिसाब से हमने उसको 5 डेज़ के लिए रेंट किया है। सो बाइक का काम हो गया है। दूसरा काम था परमिट्स का। परमिट्स का काम भी हमने सेम जो बाइक रेंटल के जो ओनर थे उनको ही बोल के परमिट का काम भी करवा लिया है। तो अब उठते ही सिर्फ हमारे पास में सुबह कल के लिए एक काम रहेगा, एक पोस्ट पेड सिम लेना, बिकॉज वी आर ट्रैवलिंग एज अ कपल ओनली, नॉट इन अ ग्रुप। सो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर कहीं पे ब्रेक थ्रू होता है तो कॉन्टैक्ट्स एस्टेब्लिश करना सो दैट मैकेनिक अवेलेबल हो पाए और जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो पाए। तो कल हम जाएंगे मार्केट और एक पोस्ट पेड सिम हमको लेना पड़ेगा, बिकॉज प्री पेड सिम तो यहाँ पे वर्क नहीं करते हैं, तो दैट्स वाई वी नीड अ प्री पोस्ट पेड सिम। सो आज का यहीं पे ख़त्म होता है टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।